चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल. डस्टर दो बेटा. ओके, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आपने नाइन्थ में भी ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वैलेंसी का. व्हाट इज वैलेंसी? ओके, सो वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. सो वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. बाहर निकल जाओ. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस, यू नो द मेन थिंग इज अबाउट द स्टेबिलिटी फैक्टर. ठीक है, सब एलिमेंट्स जो हैं वो क्या एक्वायर करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द मैजिक नंबर्स 288, 18, and 32. ओके, so in short that means they want to acquire the noble gas configuration or they want to have the noble gas. theek hai, to is process mein kya hota hai? If the elements they are not actually stable in their elemental state, they actually lose or gain some of the electrons. Okay, so how many electrons they lose or how many electrons they actually gain during this chemical combination, we call this as the valence. theek hai, कि उनकी कंबाइन करने की, दूसरे के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन करने की कैपेसिटी है वो क्या है? क्या वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तीन या चार का? ठीक है, सो इन दिस वे वी विल बी सीइंग द वैलेंसी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. राइट, सेकेंडली वैलेंसी जो है, सपोज आई हैव राइट डाउन द कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम है. सेकेंडली वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर. ठीक है, वैलेंसी का कोई चार्ज नहीं आता है, ये एक नंबर है. यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, वैलेंसी इज जस्ट अबाउट दैट. लूज किए हैं या गेन किए हैं, दैट इज नॉट कंसर्न्ड विद द वैलेंसी पार्ट. कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज किए हैं या गेन किए हैं, दैट इज द वैलेंसी. सो वैलेंसी इज ओनली अ नंबर. Suppose I have to show the valency of this sodium which is having the electronic configuration 2, 8, and 1. So here the sodium, after the loss of one electron, it will be acquiring the stable configuration. So 2, 8 configuration aa jayegi, that is stable. Okay, so what is the valency of sodium? Valency of sodium is clear. Similarly, if I talk about the valency of magnesium, the valency of magnesium is 2. Okay, and if we write down the electronic configuration of the elements, जब हम elements की electronic configuration लिखते हैं तो वहां से हम उनके valence electrons भी जो है वो predict कर सकते हैं. Okay, like in this case, the valence electrons, they are actually the electrons that are present in the outermost shell. सबसे बाहर वाली shell में कितने electrons present हैं? That will be giving you the valence electrons. Okay? So valence electrons are what? They are the electrons that are present in the outermost shell or the valence shell of an element. Okay, so let's take the examples of some other elements.
Stand up, Kesha. What is the atomic number of fluorine? बेटा नाइन्थ में स्कीम बताई थी, याद कर लो। हाँ जी विनीत, सो इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन दैट विल बी 2 7, वी विल बी डिवाइडिंग दिस 9 into 2, 7, क्योंकि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन द सेकंड शेल विल बी हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स। सिट डाउन। ओके, सो इन दिस केस ये इसकी बन जाती है आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि दो शेल ही हैं, तो लास्ट वाली शेल जो है वो उसकी कौन सी शेल होगी, दैट विल बी द आउटर मोस्ट शेल। सो हियर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर शेल विल बी 7। ओके, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, हां जी परफेक्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20, एंड कॉन्फिगरेशन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2। तो हमने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ओके, सो दीज विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैलेंसी यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और यूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है या आपको शेल कॉन्फिगरेशन पता है, अब उसको यूज करके हमने कैसे वैलेंसी निकालनी है, सो देयर इज वन फॉर्मूला व्हिच वी कैन यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैलेंसी। सो इफ योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर 1, 2, 3 and 4, इफ योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2, 3 या 4, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, शेल अरेंजमेंट तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, ओके, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। So if the valence electrons they are equal to 1, 2, 3 or 4, valency factor, it will be equal to the valence electron. Clear? यहां तक समझ आया? अगर आपके valence electrons कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 हैं, आपकी valency किसके equal होगी, जितने valence electrons हैं. Okay? So let's take some of the examples. अब ऐसी कॉन्फिगरेशन बोलो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1, 2, 3 या 4 तक आ रहे हैं। वी विल स्टार्ट विद द लिथियम, लिथियम 2, 1, उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम, वेरी गुड, 2, 2, बोरोन दैट इज 2, 3, कार्बन दैट इज 2, 4। सिमिलरली अब हम सेकेंड पे जाते हैं विद 11 एटॉमिक नंबर, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, एल्यूमिनियम 2, 8, 3, उसके बाद दैट इज 2, 8, 4, ओके, सो इन ऑल दीज एलिमेंट्स यू कैन सी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आइदर 1, 2, 3 और 4, and in this case also 1, 2, 3 and 4, okay, so what will be their valency, inki valency kya hogi, inki valency. Now what about if the valence electrons they are more than 4, theek hai, agar 4 se zyada hain then it will be 8 minus valence electron. So the valency, it will be equal to 8 minus valence electron. Now let's do the next elements which are having the valence electrons more than 4. हाँ जी बोलिए, अब next elements कौन से आएंगे? Carbon के बाद nitrogen. Nitrogen की configuration. नियॉन, यहाँ पर दूसरी साइड नाइट्रोजन के सामने कौन आएगा, नाइट्रोजन के नीचे ग्रुप में कौन आता है, फॉस्फोरस,
So that is having configuration 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 8, 8. ठीक है, अब हम इनका देखते हैं, दोनों के सेम सेम है, राइट, दे बोथ आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 8 माइनस 5, सो दैट्स व्हाई वी राइट n 3 लिखते हैं ना, चार्ज वो हम देख लेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ओके, सो नेक्स्ट 8 माइनस 6 दैट इज 4, दैट्स व्हाई वी राइट O2 नेगेटिव, नेक्स्ट 8 माइनस 7 दैट इज 1, दैट्स व्हाई वी राइट Cl, ठीक है, एंड सिमिलरली आर्गन, इन केस ऑफ आर्गन, आर्गन के केस में हम क्या करेंगे, 8 माइनस 8 करेंगे, सो दैट विल बी 0. So this is the reason why these noble gases, they actually show zero valency. ठीक है, this is the reason why these noble gases, they show zero valency. ठीक है, तो हम इनको zero group elements भी कहते हैं, because they show zero valency. Clear? यहां तक समझ आ गया? चलिए, moving to the next property, write down the atomic size. Moving to the next property, write down that is the atomic size. Either you can call atomic size, ठीक है, या हम एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं, रेडियाई, रेडियस, एनीथिंग यू कैन राइट. द मीनिंग ऑफ एटॉमिक साइज इज बेसिकली द साइज ऑफ द एटम, दो इट इज नॉट एक्चुअली डिटरमाइंड वेरी एग्जैक्टली, ठीक है, बट वी आर हैविंग सम ऑफ द पैरामीटर्स बाय विच वी कैन मेजर द एटॉमिक साइज और द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम. Now, firstly, what is actually atomic radius? Mass कर लो बेटा ऊपर. Atomic radius होता क्या है? See, you know, an atom is having multiple shells. हम पढ़ के आए हुए हैं electronic arrangement में एक shell होती है, दो है, तीन है, चार है, K, L, M, N shells. ठीक है, पढ़ के आए हैं ना हम, right? Let it be K shell, L shell, this is M shell. And inside the atom there is present nucleus. Atomic radii is basically the distance from the nucleus. हमने nucleus से distance लेना है कहाँ तक, जो उसकी last shell है, the outermost shell of that atom. Here the outermost shell is which shell? M shell. So the distance we will be taking from the nucleus to the M shell, that is going to give us the atomic size or radius. So you can write down the atomic radii is, atomic radii is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of an electron, to the outermost shell of an electron of an isolated atom, of an isolated atom. Intelligent बहुत है वो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ जी, लिख लिया बेटा. So, atomic radii is basically the distance from the nucleus to the outermost shell, ठीक है, और to the outermost electron जो उस shell में present है, और ये हम जो है वो isolated atom के केस में करते हैं. Now you know it is not easy task to isolate a single atom. नहीं, नहीं, हम एक single atom isolate करें और उसका हम mass predict करें, that is very very difficult. क्योंकि एटम्स जो हैं वो सिंगली हम नहीं ऑब्टेन कर सकते. सो हेयर व्हाट वी डू इज कि हम जो हैं उनके डाई एटॉमिक,
या इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वी मेजर और वी ट्राई टू मेजर देयर डिस्टेंस. जैसे H2 हाइड्रोजन का सिंपली हम हाइड्रोजन एटम का नहीं कर सकते, हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं ओके और उस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को यूज करके हम उसका मास डिटेक्ट करते हैं ओके. चलिए अब नाउ द मेन थिंग दैट इज एक्चुअली इन योर सिलेबस, इट इज द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियाई अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द पीरियड. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब ट्रेंड का मतलब क्या है कि हमने ये देखना है कि ये दोनों चीजें या एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपका जब हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं तो कैसे चेंज होता है, या जब हम नीचे ग्रुप में आते हैं तो कैसे चेंज होता है. ओके आप सबने पीरियोडिक टेबल पता है आप सबको, यू नो ओके. तो इफ आई गिव अ जनरल आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टेबल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आते हैं ग्रुप्स हैं आपके पास ओके. दीज आर द ग्रुप, द ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम. ठीक है, जब हम ऐसे मूव करते हैं कॉलम वाइज तो ये हमें क्या देते हैं, ग्रुप्स देते हैं. एंड हाउ मेनी ग्रुप्स दे आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वेरी गुड. तो मैंने यहाँ पर 1, 2 बनाए हैं, देन आई विल बी फॉर्मिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, इसके बाद हमें 10 ग्रुप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं. That will be 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. इसके बाद हमारे आते हैं nine and ten. Okay. So parallel to this there will be 13, 14, 15, 16, 17 and 18. जहाँ पर 18 में हमारा आएगा क्लियर. ओके ठीक है बेटा यहाँ तक. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन द ग्रुप, जब हम ऐसे मूव करते हैं, व्हेन वी मूव लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज डाउन द ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स है ना, वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो हम वर्टिकल कॉलम्स के नीचे मूव करेंगे. एंड व्हेन वी मूव लाइक दिस, जब हम ऐसे मूव करते हैं ओके, जैसे सपोज मैंने 1 से 16 तक जाना है या 1 से 16 तक का बिहेवियर स्टडी करना है, एटॉमिक रेडियाई और एनीथिंग आई वांट टू स्टडी, इफ आई मूव लाइक दिस ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अलोंग द पीरियड, क्योंकि ऐसे आपके क्या है, पीरियड है क्या, नहीं, हॉरिजॉन्टल रोज दे आर नोन एज द पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स दे आर नोन एज द रोज. यहाँ तक समझ आया पहले, इज इट क्लियर. व्हेन आई एम मूविंग लाइक दिस इट विल बी डाउन द ग्रुप, व्हेन आई एम मूविंग लाइक दिस इट विल बी अलोंग द पीरियड. नाउ आई वांट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, कि जब मैं नीचे मूव कर रही हूँ या जब मैं ऐसे मूव कर रही हूँ तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है. Here, if I take the example lithium, sodium, potassium, यहाँ पर लिख लेते हैं boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. ठीक है, if I take the example of lithium, lithium is having the configuration 2-1. ठीक है, उसके बाद चलते हैं beryllium पे, what is the configuration of beryllium here? What is the configuration of boron? Configuration of carbon. तो ऐसे सबकी आगे आ जाएगी 5, 6, 7, 8. ठीक है, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं like this. ये along the period था, जब मैं अलॉन्ग द पीरियड मूव की, जब मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन सबका बिहेवियर स्टडी किया. नाउ आई एम मूविंग लाइक दिस. ठीक है, अब जब मैं नीचे आऊंगी तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, सिमिलरली यहाँ पर आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ओके.
तो ये एलिमेंट्स है मेरे पास. इफ आई स्टडी द बिहेवियर ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, लेट्स ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्टली. दैट इज 2-1. यहाँ पर 2-8-1. यहाँ पर ओके. कैन यू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ? हेयर इट इज हैविंग टू शेल्स. जब मैं एस ब्लॉक से स्टार्ट हुई यहाँ पर भी दो शेल्स हैं. इवन जब मैं पी ब्लॉक तक भी चली गई तो शेल्स आर सेम. टू शेल्स दे आर कॉन्टिन्यूइंग. ऐसे ही है. ओके. अलोंग द पीरियड हमने क्या कंक्लूड किया है? दैट शेल्स विल रिमेन सेम. व्हाट वी कंक्लूडेड? शेल्स रिमेन सेम. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स दे आर इंक्रीजिंग. इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना कि नहीं? बढ़ रहे हैं. पहले एक थे, दो, तीन, चार, सिमिलरली 5, 6, 7 and 8. ओके. सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड? द शेल्स रिमेन सेम बट द इलेक्ट्रॉन्स keep on increasing. ठीक है. अब इसका बिहेवियर देख लेते हैं. When we are moving down the group. हाँ जी, down the group क्या हो रहा है? The shells are increasing. ओके. हेयर इफ द इलेक्ट्रॉन्स दे आर इंक्रीजिंग द प्रोटॉन्स विल आल्सो बी इंक्रीजिंग. कि नहीं? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो दैट मींस प्रोटॉन्स भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ओके. हेयर द शेल नंबर इज इंक्रीजिंग. शेल्स बढ़ रहे हैं. ओके. नाउ कमिंग टू द एटॉमिक रेडियाई. अब हम स्टडी करेंगे कि हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है वो कैसे इंक्रीज या कैसे डिक्रीज करता है. ओके. सो फर्स्टली इफ आई टॉक अबाउट दिस अलोंग द पीरियड. अगर मैं पीरियड के अलोंग मूव कर रही हूँ तो मैंने देखा है शेल्स सेम हैं. दो शेल्स हैं. हाँ जी बेटा, दो शेल्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल में एंटर कर रहा है. इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेम शेल. जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ पर एक था, फिर इसी में ही दूसरा आया, इसी में ही तीसरा, चौथा, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ इलेक्ट्रॉन इसी शेल में गए. एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई हर बारी एटॉमिक रेडियाई सेम. यानी कि यहाँ पर शेल्स नहीं बढ़ रही हैं. तो शेल्स यहाँ पर दो ही हैं हर बल. शेल सेम है. और क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे द प्रोटॉन पार्ट. द प्रोटॉन पार्ट. प्रोटॉन इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर चार्ज. पता है आपको कि जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. That is actually associated with the nuclear charge. अब nucleus की क्या tendency है? Nucleus being कौन सा charge? Nucleus being positively charged, उसकी उस electron को attract करने की tendency ज्यादा है ना. Nucleus का अपना charge positive है. It is going to attract that negatively charged electron towards itself. अब जैसे जैसे आप इधर को मूव कर रहे हो, when you are moving to this part along the period, क्या बढ़ रहा है? Nuclear charge. The protons, they are actually increasing. If I compare these both, अगर मैं बोरोन को और सपोज ऑक्सीजन को हम कंपेयर कर लेते हैं, ओके, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन भी पता चल जाएगा. इफ आई कंपेयर बोरोन एंड ऑक्सीजन हेयर, द बोरोन इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 3. ठीक है. एंड इफ आई सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किसके केस में बढ़ गया? ऑक्सीजन के केस में, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग द न्यूक्लियर चार्ज इन द ऑक्सीजन एटम इट विल इंक्रीज. ओके.
अब उस न्यूक्लियस में क्या करना है, उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है अपनी तरफ। अट्रैक्शन की पावर है ना, न्यूक्लियस इज गोइंग टू अट्रैक्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो दिस अट्रैक्शन पावर इट विल इंक्रीज विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही होगा ना, प्रोटोन का चार्ज बढ़ रहा है, इसमें प्रोटोन का चार्ज ज्यादा है, इसमें प्रोटोन का चार्ज कम है। प्रोटॉन के चार्ज के बढ़ने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चार्ज प्रोटॉन? दैट मींस हियर द न्यूक्लियस इट इज एक्चुअली गोइंग टू अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को। सो आउट ऑफ बोरोन एंड कार्बन विच इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस? आउट ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है? तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा, ऑक्सीजन इज हैविंग मोर न्यूक्लियर चार्ज, तो जो उसका न्यूक्लियस होगा, ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है दैट इज एक्चुअली हैविंग मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है? नाउ सी शी इज सिटिंग हेयर, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब जब मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ, व्हेन आई एम अट्रैक्टिंग हर टुवर्ड्स माई सेल्फ, शी विल बी चेंजिंग हर पोजिशन, आगे आएगी, शी विल बी कमिंग टुवर्ड्स मी। तो अगर कोई चीज मेरी तरफ आ गई तो उसका जो एग्जैक्ट डिस्टेंस था पहले, उससे वो कम हो जाएगा कि नहीं? पहले इतना डिस्टेंस था, अब वो जहां पर आ गई है तो डिस्टेंस कम हो गया। तो बेसिकली द एटॉमिक रेडियस इट विल गो ऑन डिक्रीज। क्लियर? क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस ने इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, तो जो शेल का साइज है, ओके, इफ आई एम अट्रैक्टिंग एनी वन टुवर्ड्स मी, तो वो अपनी पोजीशन से हिलेगा ना, ओके, एंड इट विल कम नियर टू मी, मेरी तरफ आएगा, मेरे पास आएगा। That means the distance between the nucleus and the electron it will decrease. So when we are moving along the period, the atomic size or atomic radius क्या कर जाता है? Decrease. Okay.